अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों यहाँ पर जो राइट एंटाइटलमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं और लोगों के बहुत क्वेश्चंस आए हैं, मैंने जो राइट दो राइट इश्यूज के जो है यहाँ पर वीडियो डाले हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो है बहुत से जो डाउट्स हैं क्लियर कर दूँ, और राइट एंटाइटलमेंट के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ से मैंने समझाने की कोशिश की है, इवन राइट इशू को भी। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके बहुत से डाउट और आगे जो है आपको नुकसान होने से भी आप बचा सकते हैं अपने आप को। तो चलिए देखते हैं। तो जब भी कंपनी को एक्स्ट्रा मनी रेज करनी होती है तो वो इक्विटी कैपिटल के जरिए जब रेज करती है तो वो राइट इशू लाती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, एक्स्ट्रा शेयर्स लाती है, और इस एक्स्ट्रा शेयर्स को ही राइट्स ऑफर बोलते हैं। पर ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए लाए जाते हैं, और राइट ऑफर का एक प्राइस, डिस्काउंट प्राइस फिक्स किया जाता है, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है उससे नीचे का प्राइस जो है राइट में दिया जाता है। और यहाँ पर जो है शेयर होल्डर्स को अश्योर किया जाता है कि आपको इतना राइट एंटाइटलमेंट दिया जाएगा। अब यहाँ पे बता दूं कि राइट एंटाइटलमेंट जो है वो एक रेशो में दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, और उसके जरिए जो है जो कंपनी के एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं वो अपने राइट ऑफर के लिए जो है न्यू शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं राइट इशू के जरिए। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ कि रेशो कैसा दिया जाता है, कि अगर आपके पास 10, कंपनी बोलेगी कि आपके पास अगर 10 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं तो आपको 2 राइट शेयर्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 10:2:10 का रेशो हो जाएगा आपका, तो यानी हर 10 शेयर के बदले आपको 2 शेयर्स दिए जाएंगे। इस तरह से जो है एक रेशो में जो है कंपनी आपको देती है शेयर्स। और यहाँ पर जो है सेबी ने अभी एक बहुत यानी कि नया स्टेप लिया है, और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन चालू किया है इन राइट शेयर्स का। पहले बहुत टाइम लगता था, पेपर के जरिए ये ट्रांजेक्शन होते थे। अब यहाँ पे एक प्रॉफिट और है कि ये जो है पहले 2 महीने का टाइम लगता था, अब 31 डेज में ही ये जो प्रोसेस हो जाती है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी, जो अगर जो इन्वेस्टर राइट शेयर्स राइट एंटाइटलमेंट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते राइट शेयर्स के लिए, तो पहले उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता था, बट अब ऐसा है कि वो अपना राइट एंटाइटलमेंट शेयर्स का सेल कर सकते हैं और दूसरा जो बायर है वो उसे प्रीमियम पर परचेज कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो राइट एंटाइटलमेंट का जो नया प्रोसेस है इसमें जो है डायरेक्टली जो है आपका राइट एंटाइटलमेंट का शेयर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और ये क्रेडिट कौन करता है, ये आरटीए करता है, यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो हर राइट इशू के टाइम जो है कंपनी अपना रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट शो करती है, वहां पर वही जो होता है वो इसके जरिए उसके पास सारी डिटेल होती है, आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके डीमेट अकाउंट की डिटेल होती है, और वो सभी डीमेट अकाउंट यानी इन्वेस्टर्स को डीपी में अपने उनके राइट एंटरटेनमेंट जितना भी आ रहा है वो शेयर क्रेडिट करवा देता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो राइट आरी ट्रेडिंग आई है इंट्रोड्यूशन, ये जो है इन्वेस्टर्स के लिए एक इजी ऑप्शन है। जैसे कि मैंने बताया कि जो इन्वेस्टर राइट एंटाइटलमेंट को यानी राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता वो भी अपने एंटाइटलमेंट किसी दूसरे को भेज सकते हैं, भेज देते हैं डायरेक्टली। पहले भी ये कर सकते थे रिनाउंसिएशन के जरिए, बट उसके टाइम बहुत टाइम लगता था क्योंकि पेपर से वो प्रक्रिया होती थी, पर अब जो है बहुत जल्द ये हो जाती है। यानी कि आपने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया और अगर बायर अवेलेबल है तो वो वहां से बाय हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है सेल और बाय करते टाइम, कि आरई शेयर जो ट्रेड होते हैं वो ट्रेड टू ट्रेड बेसिस होते हैं, और T+2 डेज का टाइम लगता है डिलीवरी होने में, 3 दिन का टाइम लगता है, और इसकी डिलीवरी आपको लेनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग राइट एंटरटेनमेंट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और बहुत से लोग यही धोखा खाते हैं। वो इतना फ्लक्चुएशन देखते हैं और वो सोचते हैं कि हम इसमें इंट्राडे कमाई कर सकते हैं, और वहीं वो परचेस कर लेते हैं बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग राइट एंटाइटलमेंट में पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है एबीसी, वो अपना राइट इशू लाती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो उसका एग्जिस्टिंग शेयर है वो ट्रेड करेगा एबीसी, जो कि उसका पुराना कंपनी का नाम है, उसी आधार पर वहीं पे नया आईएसएन नंबर होगा आरई के लिए, और उसका जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर भी अलग होगा, और वो जो ट्रेड करेगी राइट एंटाइटलमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर वो एबीसी डैश आरई, यानी कि राइट एंटरटेनमेंट का जो आर ई है वो उसके आगे लगा रहता है। तो अगर आप ये देख लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ये राइट एंटरटेनमेंट के शेयर हैं और ये एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर हैं, तो ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप वहां से। दूसरी चीज जो है राइट एंटरटेनमेंट की जो ट्रेडिंग की गई है ये बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी जो है हो जाती है इससे प्राइसिंग में। जैसे कि आपने देखा कि अगर जो है इंस्टेंसिंग वैल्यू 30 रुपए निकलती है वो प्राइस ओपन ही होता है 60 रुपए पे, और वहीं पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और बहुत से इन्वेस्टर वहां फंस जाते हैं।
और अगर डाउन भी हो जाता है तो जब रिनाउंसिस को और जब रिनाउंसिस जो होते हैं जिन्हें कि बाय करना होता है राइट एंटाइटलमेंट अगर हाई प्राइस पे, तो उन्हें बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे मिलता है, और ये एक जो है प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है उनके लिए जो राइट एंटाइटलमेंट बाय करते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम पे कर रहे हैं, इसके बाद इन्हें राइट का जो प्राइस है वो तो पे करना ही करना है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज कोई कंपनी है एबीसी कंपनी जिसका करंट मार्केट प्राइस है 180 रुपये और वो अपना राइट इशू प्राइस 100 रुपये रखती है। अब यहाँ पर अगर जब वो राइट इशू आएगी तो कुछ डेट्स देगी आपको, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, रिकॉर्ड डेट यानी इस डेट के पहले पहले आपके डीपी में सारे जो शेयर्स हैं वो डिलीवर हो जाने चाहिए रिकॉर्ड डेट के पहले। इशू ओपन एंड क्लोज डेट आपको रहेगी, क्लोज डेट के पहले पहले आपको एप्लीकेशन करना है अपने राइट एंटाइटलमेंट से जितने भी हैं आपके पास उनके लिए जो है राइट इशू के लिए अप्लाई करना है। रिनाउंसिएशन ओपन टिल यानी कि जो शेयर आधी शेयर जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होंगे वो मोस्टली जो क्लोजिंग डेट के 3 दिन पहले तक होता है यानी कि लास्ट डेट उसकी 3 दिन पहले होती है, क्यों? क्योंकि T+2 डेज का टाइम डिलीवरी होने में लगता है, तो लास्ट डेट के पहले पहले आपके पास डिलीवरी हो जाए इसीलिए जो है उस ट्रेड उनकी ट्रेड जो है 3 दिन पहले, मिनिमम 3 दिन पहले रोक दी जाती है। इशू ओपन होने के बाद सपोज कंपनी का प्राइस आ जाता है 160 रुपये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, और तब आरी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इशू ओपन हो गया है, और मान लीजिए वो एबीसी आरी के जो है सिंबल के साथ ट्रेड हो रहा है और उसका एग्जिस्टिंग प्राइस था 40 रुपये एंड सडनली वो हाई चला जाता है 50 रुपये पे। अब यहाँ पर 25% की हाई आप देखेंगे और यहाँ पर इन्वेस्टर धोखा खा जाते हैं और वो परचेस कर लेते हैं इसे। तो ध्यान रखिए कि आप पहले ना हो तो आप थोड़ा सा गूगल में 2 मिनट देख लीजिए कि क्या इस कंपनी का कुछ न्यूज है, तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। आप नॉर्मल शेयर समझ के राइट एंटाइटलमेंट के शेयर खरीद लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि अब एबीसी कंपनी का प्राइस तो 160 रुपये आ गया है और राइट एंटरटेनमेंट 50 रुपये चला गया है। एक चीज आप याद रखिए कि राइट इशू का प्राइस भी आपको देना है प्रीमियम देने के बाद, राइट एंटरटेनमेंट अगर आप परचेस कर रहे हैं तो जितना प्रीमियम देंगे उसके बाद 100 रुपये और देना है आपको। तो हम 160 में से 100 रुपये घटाते हैं तो हमारे पास आता है 60 रुपये। तो किसी भी कंडीशन में अगर इन्वेस्टर 60 रुपये से ऊपर देता है तो उसका करंट मार्केट प्राइस से भी ऊपर चला जाएगा भाव जब वो राइट एंटाइटलमेंट के लिए अप्लाई करेगा यानी कि राइट इशू के लिए अप्लाई करेगा। तो ये चीज है, कैलकुलेशन आप कर लें कि आपको किस प्राइस तक करना है। 160 अगर करंट प्राइस चल रहा है तो आप उससे थोड़ा नीचे ही प्राइस रखें यानी कि 130-140 इस तरह से, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप कैलकुलेट कर लें और उससे ज्यादा ना जाए राइट एंटरटेनमेंट में, इससे बेटर है। नहीं तो आप करंट मार्केट प्राइस पे ही खरीद सकते हैं। हाँ, बट अगर आपको कोई इंस्टॉलमेंट की सुविधा जो मिल रही है राइट इशू के जरिए वो लेना है तो आप जा सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके क्यों जाएंगे, उससे बेटर है कि आप करंट मार्केट प्राइस पे ही खरीद लें। और यहाँ पे याद रखिए कि इशू अगर जिस दिन क्लोज होता है तो आप अगर अप्लाई नहीं करते हैं राइट एंटाइटलमेंट शेयर्स के लिए तो वो आपकी जो है डीपी से लैप्स हो जाएंगे क्लोजिंग डेट पे, तो आप डेफिनेटली या तो उन्हें रिनाउंस कर दीजिए या फिर उन्हें अप्लाई करिए, अदरवाइज आपका जो पूरा प्रीमियम है वो लैप्स हो जाएगा जो भी आपने राइट एंटाइटलमेंट लेने के लिए परचेस किया है। तो यहाँ की जानकारी दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं जो है इंस्टा टेलीग्राम पर भी अभी हमारा जो चैनल आ गया है तो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम पर भी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।